दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है टैक्स एंड टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमको यही पता नहीं चल पाता है कि कहाँ कौन सी प्रॉपर्टीज बेचने पर ये कैपिटल गेन लगता है, कौन से ट्रांसफर ऐसे हैं जिन पे कैपिटल गेन लगता है, इसकी एग्जेम्पशन, इसको छूट लेने का क्या तरीका है। हम कैपिटल गेन से बचना चाहते हैं तो कैसे बच सकते हैं, हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं जो हम टैक्स कैपिटल गेन से बच जाएं। तो दोस्तों आइए जानते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं। हम डे टू डे बेसिस पे कैपिटल गेन से जुड़े टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिटल गेन होता क्या है, कब लगता है। तो सेक्शन 45 एक दिया गया है जिसके अंदर लिखा गया है, एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल असेट्स अफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। इसके अंदर आप देखेंगे कि कई सारी हमने डेफिनेशन यूज की। एनी प्रॉफिट और गेन मतलब प्रॉफिट और गेन हमें होना चाहिए, कब होना चाहिए, किसी ट्रांसफर से अराइज होना चाहिए, फिर किसके ट्रांसफर से अराइज होना चाहिए, कैपिटल असेट्स के ट्रांसफर से अराइज होना चाहिए, कब होना चाहिए, किसी प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन मिलके एक बड़ी डेफिनेशन बनाई गई है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल असेट्स इन अ प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। इसके कुछ एग्जेम्पशन भी है कैपिटल गेन से बचने के लिए, क्या हम एग्जेम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन 54, 54B, 54D एटसेट्रा एटसेट्रा, वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे कैसे कैसे हम लोग क्लेम करेंगे एग्जेम्पशन को, कैसे हम बच सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात करी कि कैपिटल असेट्स होनी चाहिए, सबसे पहले कैपिटल गेन अराइज होनी चाहिए। कैपिटल असेट्स क्या है, कैपिटल असेट्स वो है जो वो कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो बिजनेस में लगी हुई हो, चाहे प्रोफेशन में लगी हुई हो या ना लगी हुई हो, वो सारी प्रॉपर्टी कैपिटल असेट्स हैं। दैट मींस लॉ मेकर्स ने क्या कर दिया है, सब चीजों को उठा के कैपिटल असेट्स में डाल दिया है। सबसे पहले एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो भी हमारी कैपिटल असेट्स में डाल दिया है। सब कुछ उठा के सबसे पहले कैपिटल असेट्स में डाल दिया। अब हम उसमें से बाहर निकालेंगे कुछ कुछ चीजों को करके कि क्या क्या चीज कैपिटल असेट्स नहीं मानी जाएंगी। जिनको हम बाहर निकाल देंगे वो नहीं मानी जाएंगी, जिनको नहीं निकालेंगे दैट मींस ऑल अदर वो सारी की सारी हमारी कैपिटल असेट्स होंगी। तो हमने सबसे पहले बाहर किसको निकाला, सबसे पहले हमने स्टॉक एंड ट्रेड को बाहर निकाला। यदि कोई भी हमारा स्टॉक है जो हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो हम उसको कैपिटल असेट्स नहीं मानेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम ले, हमने कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर जैसे मान ले हम शर्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो शर्ट हमारे पास रखी है बिजनेस के अंदर, तो वो हमारी कैपिटल असेट्स नहीं है, वो हमारा फिनिश गुड्स है या ट्रेडिंग ट्रेडेड गुड्स है, जो भी हम उसको बोलना चाहें। या जैसे कि हम मान लिया, अभी हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे वैसे तो, जैसे हम गोल्ड हमारे पास मान लिया है, गोल्ड गोल्ड का हम बिजनेस कर रहे हैं, यदि हम बिजनेस कर रहे हैं गोल्ड का, हम सेल परचेज का बिजनेस करते हैं, हमारी कोई शॉप है, कोई शोरूम है, उसके अंदर हम कोई गोल्ड का कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो हमारा कैपिटल असेट्स नहीं कहलाएगा। लेकिन यदि वो गोल्ड हमारे घर में रखा हुआ है, हम उसको सेल कर रहे हैं, तो वो हमारा कैपिटल असेट्स हो जाएगा। सेकेंड एक्सक्लूजन क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी यूज फॉर पर्सनल यूज बाय द एसेसी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सनल यूज में है एसएससी के, लेकिन एसएससी या एसएससी के डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के यूज में, लेकिन इसमें भी एक्सक्लूजन है दोस्तों। ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, ड्राइंग है, पेंटिंग्स है, या कोई भी आर्ट वर्क है, वो एक्सक्लूड इसके अंदर से की गई है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि गोल्ड यदि आपके पास रखा होगा, गोल्ड घर में गोल्ड रखा है, उसको सेल आउट करने जाओगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल असेट्स हो जाएगा। लेकिन जो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, इसके अलावा कोई भी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, यदि फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं या आप यूज कर रहे हो, तो वो कैपिटल असेट्स नहीं होगा। जैसे कि कार, कार यदि आप पर्सनल यूज के लिए घर में फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हो, आपके पास गाड़ी है, तो वो कैपिटल असेट्स नहीं होगा। लेकिन यदि वही गाड़ी आपने बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हो तो फिर वो कैपिटल असेट्स हो जाएगा। पर्सनल यूज के लिए दोस्तों ये एक्सक्लूड किया गया है कैपिटल असेट्स से, पर्सनल ओनली पर्सनल यूज, यदि बिजनेस यूज आ गया तो वो कैपिटल असेट्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अब बात आती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता क्या है। इंडिया के अंदर हम एग्रीकल्चर लैंड को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड यदि है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है,
लेकिन यदि वही लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर काउंट होती है, आ जाती है, तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अब हम इसके ऊपर आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है क्या। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम यदि कोई होगी तो वो भी इसके अंदर से एक्सक्लूड की गई है। अब हम बात करते हैं ज्वेलरी, अभी हमने बर्ड की बात करी, ज्वेलरी कोई भी होगी जो वो एक्सक्लूड की गई है कि ज्वेलरी को हमें कैपिटल एसेट्स मानना है। पर्सनल यूज में हम बेशक उसको यूज कर रहे होंगे लेकिन हमें वो कैपिटल एसेट्स फिर भी मानेंगे। जैसे अब ज्वेलरी होती क्या है, ज्वेलरी वो होती है जो गोल्ड से बनी हुई हो, वो कोई भी ऑर्नामेंट जो गोल्ड से बना हुआ हो, सिल्वर से बना हुआ हो, प्लेटिनम से बना हुआ हो, या किसी प्रीसियस मेटल से बना हुआ हो, या एलॉय से बना हुआ हो, वो सारी हमारी ज्वेलरी कहलाती है। या कोई भी प्रीसियस या सेमी प्रीसियस कोई भी स्टोन हो जो हमने फर्नीचर में लगवा रखा हो, या कोई हमने आर्ट वर्क वो कुछ भी करवा रखा हो, तो वो हमारा ज्वेलरी के अंदर काउंट होता है और उसको सेल करने से हमें कैपिटल गेन के अंदर हमें कंपटीशन ऑफ इनकम में जाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात करी एग्रीकल्चर लैंड की दोस्तों। अब एग्रीकल्चर लैंड, मैंने कहा रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कोई टैक्स नहीं लगता, अर्बन पे लगता है। नॉर्मली लोग क्या समझते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी यदि हमारी है तो हम पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आते हैं कि आपने कोई पर्टिकुलर लैंड कोई सेल करी है, बेशक वो एग्रीकल्चर लैंड है, आप उसका आपने इतने रुपए इसमें इन्वेस्ट इतना रुपए सेल किया है, तो इसका कैपिटल गेन क्यों ना आप पे कैपिटल गेन लगा के कैलकुलेशन कर दी जाए। तो फिर लोग समझते हैं कि भाई ये तो डिपार्टमेंट हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, तो क्यों हमें एग्रीकल्चर, हम तो खेती करने वाले किसान है, हम पे क्यों टैक्स लग रहा है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड को हम दो जगह बांट सकते हैं, अर्बन और रूरल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अर्बन वाली कौन सी है, जो अर्बन वाली है वो अर्बन वाली है, इसके अलावा जो भी बचेंगे वो सब रूरल हो जाएंगी। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कौन सी होती है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, हम ये जानते हैं पहले। अर्बन एग्रीकल्चर वो लैंड है जो कि किसी भी म्युनिसिपैलिटी के अंडर में आ रही हो या कंटीजेंट बोर्ड के अंडर में आ रही हो जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा। फर्स्ट, अब यदि 10,000 से ज्यादा नहीं है, वो कोई भी एरिया हो गया, डिपार्टमेंट कहता है कि भाई हम अब भी नहीं, आपको नहीं छोड़ेंगे, अभी भी 10,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन यदि होगी तो आ रहा है एरिया, तो ठीक है, लेकिन फिर भी बच जाओगे आप तो 10,000 के, हो सकता है 10,000 में ना हो, तो डिपार्टमेंट इससे आगे बढ़ता है, फिर कहता है कि यदि वो जो एरिया है म्युनिसिपैलिटी का या कंटीजेंट बोर्ड का कोई भी एरिया है जहां पे उसकी सीमा खत्म हो रही है, उससे हम 2 किलोमीटर आगे तक जाते हैं, दोस्तों एरियली जाना है हमें, तो दैट मीन्स हम उसके चारों तरफ घूमते हैं, यदि चारों तरफ बिल्कुल 2 किलोमीटर का एरिया हम उसके चारों तरफ जाते हैं एरियली, तो हमें एक तरीके से क्या मिलता है, एक हमें जो म्युनिसिपैलिटी एरिया हो गया प्लस 2 किलोमीटर का और हो गया, यदि उसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा और 1,00,000 से कम है, मतलब 1,00,000 तक की हमें मिल गई, तो हमारा काम डिपार्टमेंट का काम हो जाता है, डिपार्टमेंट कहता है फिर भी आ जाओ टैक्स दे दो। इसके बाद उससे वहां पे भी काम नहीं चलता तो वो कहता है कि 6 किलोमीटर तक जाऊंगा, 6 किलोमीटर तक यदि म्युनिसिपैलिटी जो जहां पे भी उसकी रेंज खत्म होती है उससे आगे 6 किलोमीटर मैं चारों तरफ जाता हूं, तो वहां की पॉपुलेशन यदि 10,00,000 तक हो जाती है तो फिर आपको कैपिटल गेन हम लगा देंगे। उसके बाद भी काम नहीं चलता तो वो 8 किलोमीटर तक जाएगा, म्युनिसिपैलिटी रेंज जहां पे भी या कंटीजन बोर्ड की रेंज खत्म जहां पे भी होती है उससे 8 किलोमीटर एरियली जाएगा, और यदि वहां की पॉपुलेशन लगा के 10,00,000 से अबव हो जाती है तो भी कैपिटल गेन वो कैपिटल एसेट्स के अंदर ट्रीट हो जाएंगे, वो लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी और उसके उसको सेल करने से हमें कैपिटल गेन देना पड़ेगा। इससे ज्यादा 8 किलोमीटर से आगे कोई भी यदि कोई लैंड है तो वो हमारी इस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में नहीं आती और हमें उसके ऊपर कोई भी टैक्स देना, उसके सेल करने से हमें कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यदि कोई भी हमें डिपार्टमेंट का नोटिस मिलता है कि एग्रीकल्चर लैंड, आपने पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड हमें सेल करी है, तो उसके सेल करने से सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वो एग्रीकल्चर लैंड हमारी कहाँ आ रही है, किस एरिया में आ रही है। यदि वो वहां की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं, 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर के पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन वहां की लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी थी, और यदि वो उस चार्ट के अंदर फॉल कर जाती है तो हमें एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है जिसके अंदर ये लिखा होना चाहिए कि ये म्युनिसिपैलिटी या कॉर्पोरेशन जो कंटीजेंट बोर्ड है, नियरेस्ट जो भी म्युनिसिपैलिटी या कंटीजेंट बोर्ड है उसकी रेंज से 8 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा है या 6 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा है या 2 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा है, और वो हम डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो वो हमारी कैपिटल एसेट से बाहर हो जाती है लैंड, वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड के अंदर हमारी काउंट हो जाती है और हम कैपिटल गेन से बच जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम ट्रांसफर क्या होता है। अभी हमने जब
कैपिटल गेन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो हमने बात करी थी कि वहां पे ट्रांसफर होना जरूरी है। भाई ये तो हो गया कि एग्रीकल्चर लैंड है, ज्वेलरी है या कोई भी अदर एसेट्स है, जो हम उसके अंदर हमने देख लिया कि कौन कौन सी एसेट्स आएंगी। लेकिन अब बात करते हैं जब तक ट्रांसफर ना हो, ट्रांसफर होना जरूरी है इसके अंदर, जब तक ट्रांसफर ना हो तो हम कैपिटल गेन इसके ऊपर नहीं लगा सकते। ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर होता है किसी को हमने सेल कर दिया, एक्सचेंज कर दिया या रिक्लूसमेंट कर दिया कोई भी एसेट्स का, या हमने अपना राइट ट्रांसफर कर दिया, या हमारी वो लैंड कंपल्सरी एक्विजिशन में चली गई, या हमने कोई भी एसेट्स हमारे पास है हमने उसको स्टॉक एंड ट्रेड में ट्रांसफर कर दिया। अभी हम आएंगे इसके ऊपर भी कि कैसे वो स्टॉक एंड ट्रेड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, या कोई भी मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड है वो हमारा ट्रांसफर कहलाएगा, या हमने अलाउइंग ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी मोर प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी हमने अलाउ कर दी पोजीशन दे दिया उस प्रॉपर्टी का, कोई भी पार्ट परफॉर्मेंस हमने कॉन्ट्रैक्ट की कर दी, या एनी ट्रांजैक्शन वेदर बाय वे ऑफ बिकमिंग ए मेंबर ऑफ और एक्वायरिंग शेयर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्संस और वे ऑफ एनी एग्रीमेंट और एनी अरेंजमेंट और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एनी। अब हम इस पे एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखिए हमने बात करी कि सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया, नॉर्मल है, ठीक है, ट्रांसफर माना जाता है, कोई हमने राइट ट्रांसफर कर दिया। अब बात करते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन की। कंपल्सरी एक्विजिशन क्या होता है? जैसे मान लिया हमारा कोई घर है, अब वो गवर्नमेंट जो है वो रोड बना रही है, रोड के नजदीक वो घर आ गया। अब गवर्नमेंट को रोड बनाने के लिए भी रोड बनाना है, डेवलपमेंट करना है, तो वो सड़क के लिए जगह चाहिए। अब गवर्नमेंट कहती है ये हम कंपलसरी एक्विजिशन करेंगे। अब आपने तो बहुत अच्छे से वो घर बनाया होगा, यदि आपने घर बहुत अच्छे से मन से बनाया है तो आप तो उसको देना नहीं चाहेंगे, आप तो कहेंगे ये तो ट्रांसफर नहीं, तो जबरदस्ती मुझसे ले रहे हो, मैं तो दे नहीं रहा आपको। लेकिन डिपार्टमेंट ने, लॉ मेकर्स ने क्या किया, इस कंपलसरी एक्विजिशन को भी आपके ट्रांसफर माना है। क्यों माना है? क्योंकि जब आप कोई भी कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट करती है तो आपको कंपनसेशन देती है। जब वो कंपनसेशन देती है तो वो जो भी नॉर्म्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो कंपनसेशन आपको देती है। और जब आप एक तरीके से आप नॉर्मल कोर्स में समझिए, यदि वो कंपलसरी एक्विजिशन ना करती, आप उसको सेल करते तो आपको तब भी वैल्यू मिलती। आपने जस्ट सपोज उसकी जो आपकी पोस्ट ऑफ एक्विजिशन थी या पोस्ट ऑफ परचेज थी वो जस्ट सपोज आपकी 1,00,000 रुपए थी, लेकिन जब डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने आपसे एक्वायर किया उसकी कॉस्ट उस टाइम कितनी हो गई, मान लिया 30,00,000 हो गई, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ बेनिफिट ही हुआ है। तो जब बेनिफिट हुआ, गवर्नमेंट कहती है अच्छा बेनिफिट हुआ है तो आ जाओ इनकम टैक्स दो। तो कंपलसरी एक्विजिशन को भी ट्रांसफर ही डिपार्टमेंट ने माना है। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। ये क्या चीज है? ये ऐसी चीज है कि आज मैंने कोई भी, मेरे पास घर में ज्वेलरी रखी है, मेरे घर में ज्वेलरी रखी है, जब तक मेरे घर में ज्वेलरी रखी है वो मेरी कैपिटल असेट्स है। मैं उसको सेल करता तो मेरा क्या होता, वो कैपिटल गेन होता। लेकिन आज मैंने क्या कर दिया कि मैं कल को, मेरा आज मेरे पास है, कल को 20 साल बाद मेरे मतलब फैमिली मेंबर या मैं खुद इसका बिजनेस करना चाहूं, मेरे मन में आ गया मैं गोल्ड का बिजनेस करूंगा, तो मैंने अपनी घर की सारी एसेट्स बिजनेस के अंदर लगा दी। अब मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में। जब बिजनेस में अंदर लग गया तो स्टॉक इन ट्रेड हो गया। तो डिपार्टमेंट कहता है कि ऐसा नहीं है, यहां से आप बच नहीं सकते। आप यदि किसी भी असेट्स को, आज आपकी ज्वेलरी आपकी कैपिटल एसेट्स थी, आज आपने उसको उठा के स्टॉक में बिजनेस के अंदर लगा दिया, स्टॉक इन ट्रेड बना दिया, तो जिस दिन आप उसको स्टॉक इन ट्रेड बना रहे हो उस दिन उसकी जो वैल्यू है, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है, उसको आप उस दिन का ट्रांसफर वो मान लीजिएगा, उस दिन उसको ट्रांसफर मान लीजिएगा, उस दिन तक का तो आपको कैपिटल गेन देना है। उसके बाद फिर वो आपका स्टॉक इन ट्रेड में चला जाएगा और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो उस पर आप पीजीबीपी में आप टैक्स दीजिएगा। अब आते हैं जीरो कूपन बॉन्ड का मैच्योरिटी एडमिशन पे, उसको भी ट्रांसफर माना है। कोई भी इसके बाद आता है अलाउइंग ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी इनवॉल्वड प्रॉपर्टी। अब आपने कोई भी, मतलब अभी ट्रांसफर तो आपने रजिस्ट्री तो आपने करी नहीं है, लेकिन आपने किसी को पोजीशन दे दिया कि भाई पार्ट परफॉर्मेंस आपने कर दी कि भाई तू प्रॉपर्टी यूज करनी शुरू कर दे, तो डिपार्टमेंट कहता है कि यदि आपने ऐसा कुछ कर दिया है तो उस पर भी आपको ट्रांसफर मान लिया जाएगा। अब बात करते हैं एनी अदर ट्रांजेक्शन। मान लिया कैसे लोग कैसे करते हैं, मान लिया आज आप किसी सोसाइटी के मेंबर बन गए, आप उस सोसाइटी के पास 50 घर हैं, उसके आप 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग उस सोसाइटी के मेंबर बन गए और उन घरों को एंजॉय कर रहे हैं, उन घरों में रह रहे हैं, तो वो घरों में जब आप रह रहे हो तो वो भी तो फिर आपका क्या है, ट्रांसफर माना जाएगा ना। दैट मीन्स आपने पोजीशन दूसरे को दे दिया ना उसका, तो ये सब चीजें जो है हमारे ट्रांसफर के अंदर आती है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे
नेक्स्ट हम जब आपके सामने आएंगे तो हम बात करेंगे कि कैसे जैसे स्टॉक एंड ट्रेड में जो हमने ट्रांसफर किए एसेट्स उसके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो हम डिस्कशन करेंगे कैपिटल गेन से रिलेटेड।